शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी भी घर के दरवाजे पर सुबह और शाम को दीपक प्रज्वलित करते होंगे। आपके मुझे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि दीपक जो है हम अंदर की तरफ लगाएं या बाहर की तरफ। मासिक धर्म में हम सभी दीपक लगाने का दरवाजे पर नियम लेते हैं, तो उसे कैसे पूर्ण करें? क्या शाम को भी नहाना आवश्यक है और कैसी बाती का हमें प्रयोग करना चाहिए? कई तरह के प्रश्नों का आपको इस वीडियो में समाधान मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि शास्त्र प्रमाण कहता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपक जलाते हैं तो कई तरह के रोग शोक शत्रुओं का नाश होता है और घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, खास तौर पर मुख्य दरवाजे पर। गुरुजी भी हमेशा हम सभी को सलाह देते हैं, कई तरह के उपाय भी बताते हैं कि हमारे जो देवी देवता होते हैं वह घर के दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करने से प्रसन्न होते हैं और सदा सर्वदा जो है खुशियों के भंडार भरते हैं। हमारे पितरों के लिए मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन में सभी तरह के मनोकामना पूर्ति में भी यह सहायक होता है। खास तौर पर जब मासिक धर्म हो तो महिला जो है हमेशा जो घर की केंद्र बिंदु होती है, ग्रह लक्ष्मी होती है, वह दीप प्रज्वलित करती है। परंतु ऐसी स्थिति में आप सभी संपूर्ण रूप से कभी भी इस नियम को ध्यान में रखें कि घर के दरवाजे पर दीप लगाने का नियम नहीं छोड़ना है। सुबह और शाम आपको जरूर से दीपक लगाना चाहिए, परंतु मासिक धर्म में कहीं ना कहीं मन में संशय हो जाता है कि देवताओं के निमित्त हम कैसे काम करें। ऐसे में आप सभी यह मदद जो है अपने बच्चों के द्वारा और अपने पति से करवा लेते हैं यह कार्य, ना तो बच्चों की पूजा और अपने पति की पूजा कहा जाता है बहुत श्रेष्ठ होती है। कभी कभी वह यह दीपदान करते हैं तो उनके भाग्य में निरंतर बढ़ोतरी होती है और उनके लिए भी सभी देवी देवता विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो इस कार्य में अपने बच्चों को सम्मिलित करते हैं। महिलाएं जो है वह विशेष तौर पर सनातन धर्म की ध्वजा को फहराती है और अपने बच्चे और पति को भी यह उचित संस्कार देकर अपने घर के संपूर्ण भाग्य में वृद्धि करती है। तो यह कार्य आप अपने मासिक धर्म के 5 दिनों में अपने बच्चों के हाथ से करवाइएगा, देखिएगा वह धीरे धीरे इसकी आदत बना लेंगे और कहेंगे कि मम्मी आज आपने दीपक क्यों नहीं लगाया घर के मंदिर में, घर के दरवाजे पर दीप। वह बिना कहे जो है दीप लगाना प्रारंभ कर देंगे। तो इस कार्य को आप इस तरह परिपूर्ण कीजिएगा। घर के दरवाजे में आपके प्रश्न आते हैं कि हम जब सब कामना की सिद्धि के लिए हमारे घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो, वास्तु दोष निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें कैसी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए? हमेशा जो है घर के दरवाजे पर प्रमाण कहता है कि आप सभी जो है लंबी बत्ती का प्रयोग कीजिएगा, खासतौर पर धन लक्ष्मी के आगमन के लिए, माता रानी के आगमन के लिए, पितृ देवताओं के लिए और साथ ही सभी देव पुरुषों के लिए भी। माता रानी आएंगी तो अपने साथ जो है राधा कृष्ण कहा गया है, शिव और शक्ति कहा गया है और साथ ही जो है आप सभी ने सुना होगा लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कहा गया है, जोड़े में ही साथ आते हैं। तो लंबी बत्ती का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा इसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्या ऐसे में प्रश्न आते हैं कि हम सभी को क्या दोनों समय दीपक लगाना चाहिए? तो ऐसा आवश्यक नहीं है जी, मात्र एक समय में भी संभव हो तो आप सभी दोनों समय जो है घर के दरवाजे पर सुबह जल का छिड़काव करने के बाद आप दीपक लगाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में लगाते हैं तो भी श्रेष्ठ है, शाम को भी लगा देते हैं तो भी अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। परंतु ऐसी स्थिति नहीं होती कि दोनों समय आप सभी लगा पाए, तो आप सभी क्या करें कि शाम को जो है अंधेरे को काटने का कार्य जो है रोशनी करती है, दीपक करता है। तो ऐसी स्थिति में घर के दरवाजे पर शाम को तो आवश्यक रूप से प्रदोष काल में, अब कई बार जो है जीवन भर हम दीपक लगाते रह जाते हैं परंतु सही समय सही नियम से नहीं लगा पाते तो कोई इसका परिणाम खास नहीं मिलता। महिला पुरुष क्या करते हैं कि के समय बाहर निकल जाते हैं वॉक पर या सब्जी लेने या कुछ विशेष कार्यों में बातों में, यह सही नहीं है। प्रदोष काल में अर्थात सांझ के समय, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, यही समय होता है जब देवी देवता आपके घर पर प्रवेश करते हैं और खुशियों के भंडार भरते हैं। तो इसी समय जो है जो शाम का समय कहा जाता है, थोड़ा सा अंधेरा थोड़ी सी रोशनी, ठीक उसी समय जो है दरवाजे पर दीपक लगा लेना चाहिए। निश्चित ही घर के सभी जनों के भाग्य में बढ़ोतरी होती है, सभी तरह के दोष मिटते हैं और खुशियों का आगमन उस परिवार में स्वतः ही आ जाता है जो इस तरह से सही विधि सरल नियम से दीप लगाता है।
हमेशा घर के दरवाजे पर आप सभी एक मिट्टी का दीपक रखिएगा और उसे हमेशा थोड़ा बहुत साफ़ करिएगा। हमेशा उसे धोना संभव नहीं है तो किसी कपड़े से आप सभी उसे पोंछ लीजिएगा। ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की इससे आपको प्राप्ति होगी। हमेशा गुरुजी कहते हैं अपने घर के मंदिर में दो दीपक रखिएगा। एक दीपक तो आप सभी सबसे पहले जब आपकी पूजा शुरू हो उस समय जलाकर रख दीजिए। उसे जो है बार बार हिलाया डुला नहीं जा सकता, यहाँ वहाँ उसे नहीं रखा जाता। दूसरा दीपक जो है आप सभी पूजा की एक छोटी सी थाली में रखना चाहिए। यह दीपक में आपको प्रज्वलित कर पूर्ण रूप से एक दूसरा दिया रखना चाहिए। उसके बाद जो है उससे आरती करनी चाहिए। जो भी आप दिन के अनुसार बार के अनुसार आरती करते हैं उस तरह से साथ के साथ उसी दीपक को घर में घुमाना चाहिए। उसी दीपक से भगवान जी को आरती देनी चाहिए। उसी दीपक को शीतलीकरण करना चाहिए और उसी दीपक से अपने बच्चों को परिवार के सदस्यों को आरती के स्वरूप में देना चाहिए। यही सही प्रक्रिया होती है। हो सकता है आप में से कई विद्वान जनों को यह बात विदित हो, परंतु जो भक्त नए चैनल से जुड़ते हैं उन्हें इन चीज़ों का कम आभास होता है, तो उनके लिए समय समय पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भक्त जनों, आप सभी के मुझे यह भी प्राप्त होते हैं सवाल कि दीदी जो दीपक है उसका मुख किस तरफ को होना चाहिए और साथ ही हमें यह दीपक अंदर की तरफ लगाना है या बाहर की तरफ। तो यह कोई विशेष महत्व नहीं है कि बिल्कुल बाहर की तरफ लगाएं या घर के अंदर की तरफ। घर की बनावट जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में आप दीपदान करें। देखिए, किसी घर के बाहर की तरफ जो है आपने देखा होगा थोड़ी सी खुली सी जगह होती है और साथ ही बाहर की तरफ बरामदा बना होता है जिसे कहा जाता है अलग अलग स्थानों में। उसी बरामदे पर आप रख सकते हैं घर के दरवाजे की तरफ, बाहर की तरफ भी रख सकते हैं, अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस यह महत्वपूर्ण है कि दीप लगना चाहिए और दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भूल कर भी पितरों की दिशा दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक का मुख नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। घी का दीपक सर्वोत्तम बताया जाता है, वही दीपक का प्रयोग आप करें तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही न होने की स्थिति में घी आप तिली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य करें, उपाय करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। जीवन बहुत सुखमय होगा, समृद्ध होगा, कष्ट मिटेंगे और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार बनने आरंभ हो जाएंगे। इस नियम को छोड़िएगा नहीं। सूतक पातक की स्थिति हो या मासिक धर्म की स्थिति हो, आप अपने बच्चों को यह कार्य देते हैं ना तो श्रेष्ठ से माना जाता है। घर के दरवाजे पर एक दीपक, घर के मंदिर में एक दीपक और आवश्यक रूप से घर की रसोई में, जो कि पितरों के स्थान के स्वरूप में मटके के पास कहा गया है, अन्नपूर्णा माता का भी रसोई घर में वास होता है, तो यह तीन दीपक जिस घर में और साथ ही तुलसी माता मस, यह चार दीपक घर पर जो नियमित रूप से जला लेता है ना, अगर रोज भी नहीं जला पाते, विशेष नियम विशेष तिथि पर पितरों के निमित्त रसोई घर में दीपक लगाना आरंभ करें। निश्चित ही देखेंगे कि सब तरह के कष्ट मिट रहे हैं, दुख दरिद्रता का नाश हो रहा है और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर रहे हैं। साथ के साथ आपके यह भी प्रश्न प्राप्त होते हैं कि दीदी शाम को नहाना आवश्यक है, दिन भर में शौच इत्यादि के कर्म होते हैं, तमाम तरह के गलत जगह पर भी हमारा हाथ लगता है। नहाना तो सही है, शास्त्र विधान कहा गया है सुबह सुबह, परंतु स्थिति ऐसी नहीं हो पाती है तो आप नीचे के अंग वस्त्र बदल कर दियावत्ती करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठी से कहा जाता है। जल इत्यादि का छिड़काव स्नान के भाव से कर लीजिएगा, हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। पंच अंग कहा गया है धो लेना चाहिए, हाथ पैर मुंह कुल्ला इत्यादि कर जो है श्रेष्ठतम फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। आटे का दीपक भी समय समय पर घर के दरवाजे पर लगाकर उसे चिड़िया कबूतर या पशु पक्षी को दान में देना बहुत श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। आप इस कार्य को भी कर अपने भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही प्रबल कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी दोष हो, कोई भी परेशानी हो, उसका निवारण होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जो घर के दरवाजे पर जल छिड़क लेता है, गौ माता के लिए रोटी निकाल लेता है और छोटे छोटे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनका ही दिया सब कुछ है, उन्हीं को समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से जो छोटे छोटे से कार्य कर लेता है वह इस लोक को भी समृद्ध बनाता है, अपने पितरों को सुख देता है और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए भी भाग्य खोलता है और अपने लिए भी प्रभु के श्री चरणों में स्थान निर्धारित करता है। साथ ही पूजा के बाद इस शब्द को कहना ना भूले, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेतः। अर्थात सभी जन सुखी रहें, सभी जन निरोगी रहें, सभी के खुशियों के भंडार भरे। जो व्यक्ति प्रभु की पूजा आराधना
आराधना करने के बाद यह प्रार्थना कर देता है ना, तो भगवान की नज़रों में वह सर्वोत्तम प्राणी है और वह अपने लिए मुक्ति के द्वार सबसे पहले खोलता है। भगवान देखते हैं कि यह सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उन सभी में सबसे पहला नंबर उसी व्यक्ति का होता है। इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी को यह जानकारी उचित उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।